सोनभद्र में दबंग बीजेपी नेता ने पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही को जमकर पीटा। इस दौरान बीजेपी नेता ने चौकी इंचार्ज अश्विनी कुमार राय से हाथापाई की और कुर्सियां भी तोड़ी। बता दें कि अनपरा निवासी परवेज राज सिंह अपने भाई देवेश राज सिंह के साथ चौकी में घुसकर हाथापाई करने पहुंच गए। मौके पर पहुंचे शक्तिनगर थाना अध्यक्ष नागेश कुमार सिंह ने दो आरोपियों को वाहन समेत गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। आज थाना शक्तिनगर अंतर्गत अनपरा शक्तिनगर मार्ग पर जाम लगा हुआ था, जिसमें चौकी इंचार्ज बीना अश्विनी कुमार राय अपने दो हमराइयों के साथ जाम को छुड़ा रहे थे। इस दौरान वहां से गुजर रहे प्रवीण राज सिंह और देवेश राज सिंह, जो दोनों सगे भाई हैं, इनके द्वारा जो है गलत रॉन्ग साइड से गाड़ी लगा कर जाम लगाया गया था। पुलिस द्वारा टोकने पर इनके द्वारा पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और मारपीट की गई। इसके संबंध में इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के थाना केसरबाग के पास एक दुकान में रोडवेज बस घुस गई। बता दें कि ब्रेक फेल होने के चलते ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि खाली बस होने के चलते कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं भीड़ को पास आता देख बस चालक मौके से फरार हो गया। ये मामला थाना केसरबाग के बस अड्डे के पास का है। तो ये देखिए, ये बस जो है ब्रेक फेल होने की वजह से सीधे एक बिल्डिंग है वहां पर घुस गई। शुक्रिया रहा कि इस बस में यात्री सवार नहीं थे और जिस वक्त ये बस घुसी उसके आसपास भी कोई नहीं था, वरना जनहानि हो सकती थी। हालांकि जब भीड़ आक्रोशित होकर बस की तरफ बढ़ने लगी तो जो ड्राइवर है वो भाग गया है। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ पर भी मामला फिटनेस से जुड़ा हुआ है। अगर फिटनेस होती तो शायद ब्रेक फेल ना होती।